आप दो राज्यों में सरकार, 163 विधायक, 10 सांसद, 10 बिंदियों में जाने, 10 साल में कहां से कहां पहुंची आप। महज 10 साल पुरानी पार्टी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी कहानी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे पार्टी का दायरा बढ़ा। दिल्ली में सियासी बवाल मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महज 10 साल पुरानी पार्टी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी कहानी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे पार्टी का दायरा बढ़ा। अन्ना हजारे का आंदोलन और फिर पड़ी आपकी नींव। 2011 से समाज सेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में IRS ऑफिसर अरविंद केजरीवाल, पूर्व पत्रकार मनीष सिसोदिया समेत अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। आंदोलन के दौरान कभी भी राजनीति में कदम न रखने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन खत्म होते होते नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत कई लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की। एक साल के अंदर दिल्ली में सरकार बना ली। नई पार्टी के गठन के एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बना ली। 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को हराकर आपने हर किसी को हैरान कर दिया। केजरीवाल ने 3 दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों से हराया। इस चुनाव में कांग्रेस को महज 8 सीटों पर ही जीत मिली। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया। इससे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। फिर कांग्रेस ने हाथ खींच लिया और गिर गई सरकार। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का फल ज्यादा दिन तक नहीं चला। 49 बाद ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ नाता तोड़ लिया। एक साल तक इस केंद्र शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। लोकसभा में दमखम के साथ उतरे 400 में से 4 प्रत्याशी ही जीत पाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने देश भर में अपने 400 उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि पंजाब को छोड़कर आपको कहीं सफलता नहीं मिली। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार लोकसभा पहुंचने में सफल हो गए। इससे पंजाब की पार्टी की राह खुल गई। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में बड़ी ताकत से वापसी की। पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। पार्टी ने कांग्रेस के साथ ही बीजेपी को भी बड़ा झटका दिया है। सत्ता में आते ही केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली और पानी को फ्री कर दिया। इसी तरह 2017 में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की। ये दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। यहाँ आप मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। कद बढ़ा तो पार्टी में फूट भी शुरू हो गई। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का कद बढ़ता गया वैसे वैसे पार्टी में आंतरिक लड़ाई तेज हो गई। 2015 में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी में फूट शुरू हो गई। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर सुप्रीम लीडर होने का आरोप लगाया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अजीत झा जैसे नेता को पार्टी से किनारे कर दिया। इसके बाद कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते भी मतभेद उभरने लगे। 2018 में मतभेद इतने बढ़ गए कि कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। 2019 लोकसभा में नहीं चला केजरीवाल का जादू। दिल्ली में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल का 2019 लोकसभा चुनाव में कोई जादू नहीं चला। दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर कब्जा होने के बावजूद पार्टी को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की हाथों हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के बाद पंजाब में भी पार्टी को झटका लगा। पंजाब में 2014 में 4 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी।